सवाने सवाने तो पहुंच पाए समान करो स्वीकार। बोलिए वृंदावन
पुष्प है सुमन करो स्वीकार, पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे देव करो स्वीकार, पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे गोपाल करो स्वीकार। भूमि श्री बांके बिहारी लाल की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री परमात्मने नमः। श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण कथा का आज प्रथम दिवस व्यासपीठ की तरफ से संत महाराज आचार्य संगीताचार्य भक्त मात्र शक्ति नन्हे मुन्ने बच्चे
सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी के लिए मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने कथा में उपस्थित होकर के हमारी वाणी को पवित्र करने का जो आपने अवसर प्रदान किया, आप सब प्रेमियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस परम पावन गोविंद के गुणगणों की गंगा में गोता लगाने के लिए आए हुए सभी भक्त गुणवती माताएं, भक्त और भगवान के गुणों की चर्चा होगी। और जिस स्थान पर यह कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है, माता भगवती का भी आसन कल यहां विराजमान हुआ है, बड़े भाग्य की बात है। उनके चरणों में बैठ करके हम लोग कथा श्रवण करेंगे बड़े भाव से। और ये मथुरा नगरी विद्वानों की नगरी तो है ही, महापुरुषों की नगरी तो है ही, तो सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट वंदन प्रणाम। आजकल एक बहुत शब्द सुनाई देता है, टेंशन। टेन माने दस, परसेंट माने सूर्य। एक सूर्य के मारे तो हमारी ये हालत है, और जिसके अंदर दस दस सूर्यों की गर्मी हो, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं आजकल बहुत टेंशन है। तो जिसके अंदर दस दस सूर्य की गर्मी हो, क्या हालत होगी उसकी? तो अंदर की जो गर्मी है ना, जो ताप है, जो टेंशन है, उससे मुक्ति प्रदान करने का जो कार्य है ना, वो भागवत महापुराण करते हैं। मुख्य यजमान के रूप में जो बैठे हैं हमारे पप्पू भाई साहब हैं, ये 88,000 जो संत हैं, ये सभी ब्राह्मण हैं और सभी सदग्रस्त ऋषि हैं, सभी ग्रस्त वाले हैं। और इनके बीच में 20 वर्ष के सूत जी, ये ब्राह्मण भी नहीं है। आगमन हुआ, बड़ा स्वागत किया संतों ने खड़े होकर। सूत जी ने कहा, मुझे शर्म आती है, आप मेरा स्वागत करते हो, मैं बच्चा हूं छोटा सा। तो बड़ी सुंदर बात कही उन संतों ने, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा स्तुतई वच ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरः सः किंकरः।
महाराज कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वही है जिसके पास में ज्ञान है, जो ज्ञान में बड़ा है। तो हे सुख जी, सब खाने में और दक्षिणा में उसमें लगे हुए हैं सब, इनको भी शांति नहीं है। ग्रस्तों में जाकर के देखा तो ग्रस्तों में भी बीमारी अलग से मिली, नई बहुओं की चलती है, सास ससुर को कोई पूछता नहीं, बुजुर्गों की सेवा नहीं होती। अच्छी बात है, बहू की चलनी चाहिए, लेकिन अपने माता पिता सास ससुर से भी पूछ लिया जाए तो कोई बुराई नहीं, ये जरूरी है। तो नारद जी कहते हैं मुझे कहीं शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा चलिए वृंदावन चलते हैं, वहां जाकर के देखेंगे सत्संग मिलेगा। लेकिन वृंदावन में जाकर के देखा तो और ही बुरा हाल। यमुना के किनारे लेकर करके मैं जब जा रहा था तो एक माता जो जवान है, साक्षात भक्ति है, और इनके पास में दो पुत्र हैं जो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य। माता भक्ति रो रही थी। नारद जी ने कहा क्या बात है मैया, क्या बताएं नारद जी, देखो ना हमारे पुत्र हमारे सामने ही बुड्ढे हो चले हैं, मैं अभी जवान हूं। नारद जी ने वेद वेदांत गीता रामायण सबका पाठ कराया, लेकिन चेतना नहीं आई ज्ञान और वैराग्य की, बुढ़ापा दूर नहीं हो सका। आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करिए, सत्कर्म क्या है, ये सत्कर्म ही की खोज करते करते नारद जी बद्रीनाथ पे पहुंच गए, जहां शरद कुमार बैठे हुए हैं, और शरद कुमारों से जाकर के यही प्रश्न किया, महाराज ये सत्कर्म क्या है। शरद कुमारों ने कह दिया कि महाराज ये सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत महापुराण है, गीता रामायण वेद वेदांत से जब कुछ नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत महापुराण से क्या होगा। मान के चलिए कोई आम का फल है तो आप ये समझें आम का जो रस है वो आता तो आम की जड़ से ही है, आम के तना से ही है, आम की छाल से ही है, लेकिन जो आम का जो रस है जो फल में, वो आप कहने लगो हम तो डाली से लेंगे, डाली खाएं तो डाली से मिलने वाला तो नहीं है, तना को खाने लगो आप तो बोरस मिलने वाला तो नहीं है, आता वहीं से है, लेकिन उसका जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी ने कहा तो महाराज दुराचार रता बिमान गगा क्रोधाग्निधग्धा कुटिलाश्चकामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिति। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म किया नहीं, पाप करते करते उसका जीवन निकल गया हो, और मैं तो ये कहता हूं कि पाप कर्म करते करते उसकी अगर अकाल मृत्यु भी हो गई हो, और उसके नाम से भी अगर हम कथा करा दें तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। हाँ, और उन्होंने तो बड़ी सुंदर एक कथा सुना डाली सनत कुमारों ने कि तुंग भद्रा तटे पूर्वम भुक्त पत्तनम उत्तमम पिताजी क्या बात है क्यों रोते हो, पहले तो आपका जो देह के प्रति अभ्यास है ना इसको हटाइए, अपने आप को आप जो समझते हो कि मैं शरीर हूं तो इस शरीर को पंडित जी बोलो, प्रधान जी बोलो,
संतरी बोलो, मंत्री बोलो, खंत्री बोलो, कुछ भी बोलो, शरीर की तो तीन क्रिया होती हैं, जला दोगे तो चार मुट्ठी राख बन जाएगा, और गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, और भा दोगे तो गीदड़ खा करके रिश्ता कर देंगे। जायते अस्ति विपणवते अपच्छते या तो विनाशति। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बुढ़ा होता है और मर जाता है, सिवाय मरने के ये कभी कोई दूसरा काम करता ही नहीं। आपने कभी सोचा हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां को चले जाते हैं? माता पिता जब हमारे थे तो हमको छोड़कर के चले क्यों गए, और चले गए तो फिर कभी चिट्ठी क्यों नहीं आई? अरे कभी चिट्ठी तो आनी थी कि नहीं? कभी चिट्ठी नहीं आई, कहां चले गए सब? आंख हमारी है, अंधी हो जाती है, हम रोक नहीं पाते। आंख अगर हमारी है, अच्छा कान हमारे हैं, चलो मान के चलो कान तो हमारे हैं। आप लोग सब कहते हो हमारे कान हमारी आंख, तो कान हमारे हैं तो हमारा कहां मानते हैं? कान भी बहरे हो जाते, सुनना बंद कर देते। अच्छा चलिए मानिए श्वास हमारी, लोग कहते हैं श्वास हमारी, सब हमारी श्वास। अच्छा हमारी श्वास होती तो जब चाहे लेते, और न चाहते तो बिल्कुल नहीं लेते, और इतवार के दिन तो बिल्कुल छुट्टी रखते। हाँ सब, आज तो संडे है, बिल्कुल छुट्टी रख दो, श्वास लेने की नहीं बिल्कुल। अब बोलो, लेकिन श्वास हमारी है, हम रोक सकते हैं श्वास को? नहीं रोक पाते हम। कम से कम 45 मिनट बैठ करके ये चिंतन करना चाहिए, आखिर मैं कौन हूं? रात्रि में हम सो जाते हैं, कहां चले जाते हैं? ऊपर छत गिर पड़े, धन को कोई ले जाए, और जैसे ही आंख खुली, ये भी मेरा और ये भी मेरा और पड़ोसी का भी मेरा है। देखो चार प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, ध्यान देना। एक तो जो निकृष्ट जो मनुष्य होता है ना, निम्न श्रेणी का मनुष्य, उसकी पहचान, मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा। ये जो नीच प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा। अच्छा थोड़ा इससे ऊंची क्वालिटी होती है अच्छी वाली, मेरा है तो मेरा है और तेरा है तो तेरा है। ईमानदारी की बात है, इसमें बेईमानी है ही नहीं भाई, मैं हमारा है तो हमारा, तेरा है तो तेरा है। अच्छा अच्छे लोगों की पहचान, अच्छा ये जो मेरा है तो मेरा है, तेरा है तो तेरा है, ये संसार वाले लोगों की पहचान है अच्छे लोगों की। इसको बोलते हैं व्यवहार, इसको क्या बोलते हैं? व्यवहार। अच्छा एक अच्छे क्वालिटी के लोगों की पहचान होती है, भैया तेरा है तो तेरा है और मेरा भी तेरा है। महाराज ये मकान महाराज आपका ही है, ये बच्चे महाराज आप कहेंगे, ये सब महाराज आपका ही, तो हमारे कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन मन से कह दिया, कोई किसी का हो जाता है कहने से, लेकिन उसका भाव देखिए महाराज आपका, ये सब हमारा क्या है। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे।
मानव के लिए परम धर्म क्या है। 30 दिन के महीने में 35 दिन व्रत रखना परम धर्म है, परिक्रमा लगाना परम धर्म है, 5 बार स्नान कर लेना एक दिन में, आखिर धर्म है क्या? कहते किसको है धर्म। दूसरी बात, मंदिर में जब हम पूजा करने के लिए जाएं तो एक ही गर्भगृह में अनेकों मूर्तियां होती हैं। मैया जी भी खड़ी हैं, शनिचर महाराज भी खड़े हैं, और वो हनुमान जी भी खड़े हैं, और वो बाबा शंकर भी खड़े हैं, डमरू को हला रहे हैं, और राम जी भी धनुष बाण को लेके खड़े हैं। आखिर पूजा हम सबसे पहले किसकी करें? क्योंकि जिनका चिंतन श्रेष्ठ नहीं है जी, वो तो चक्कर में पड़ जाएंगे ना। किसकी पूजा सबसे पहले करनी चाहिए, कृपया करके ये बताएं। और तीसरा प्रश्न, वेद में जब परमात्मा का नाम अजन्मा है तो माता कौशल्या के यहां वो जन्म लेकर के कैसे आया? माता देवकी के यहां गर्भ से जन्म उसने कैसे लिया जी? अगला प्रश्न, भगवान के अवतार कितने? कोई कहता है 10, कोई कहता है 24, आखिर अवतार कितने? और पांचवा प्रश्न, वक्ता कौन श्रेष्ठ है, जो बड़ी से बड़ी बात को छोटी करके कह दे या छोटी से छोटी बात को बड़े रूप में कह दे? और छठवां प्रश्न, जब भगवान अपनी माया को छोड़कर के गए, जब यहां अवतार लेकर के आए, तो यहां से जब जाने लगे होंगे तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा जी। तो जब भगवान चले गए इस धरा को छोड़ करके, तो धर्म किसकी शरण में गया? कृपया करके ये बताइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरुदेव का वंदन करना चाहता हूं। ये सुखदेव जी है ना, ये गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते थे, क्रीड़ा करते थे राधा रानी की गोद में गोलोक धाम में। और एक दिन राधा रानी ने कहा कि बेटा अभी आप मृत्यु लोक में जाओ। माते मैं नहीं जाना। अरे मृत्यु लोक में जाते ही वो विष्णु की माया पकड़ लेती है, जो 2-4 माला आपके नाम की जपता हूं ना ये भी छूट जाएंगे। बेटा मैं कहती हूं ना आप अभी मृत्यु लोक में जाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती चरणों से निकल है गंगा।
पुष्पांजलि करेंगे, पुष्प लेकरेंगे। हरि ओम जगनेन जगमय जयंत देवास्थान धनवान कृतमान्यासन्न तेहनात्म महिमान शचंत्र यत्र पूर्वे शाद्यः शन्दिदेव शेवंत काम कुल चंपक बाटला जय पुन्नाग जात कर वीर रसाल पुष्पे विलव प्रवाल तुलसी धन मंजरे विस्तम पूजे आम जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो ध्वनि च पुष्पांजलि मनया तत्तो गृहाणा परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि ईश्वर पयामि बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधारानी सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय अपने अपने माता पिता की जय बस्ती नगर की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी आरती लेते हुए परिक्रमा करते हुए एक एक और प्रसाद लेते हुए अपने निज निवास प्रस्थान पर जय श्री राधे।